दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में मुकाबला कर रही हैं। मार्च में रिलीज हुई फिल्मों के लिए अप्रैल में कंपटीशन और बढ़ गया है। इसमें सबसे आगे साउथ की फिल्म दसरा बाजी मारती हुई दिख रही है। दोस्तों मार्च के महीने में होली के मौके पर रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्का रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की। दोस्तों इसके बाद मार्च के अंत तक अजय देवगन की अवेटेड फिल्म भोला ने भी थिएटर में दस्तक दी। इसके साथ ही साउथ की सुपरस्टार नानी की तेलुगु फिल्म दसरा भी रिलीज हुई जो सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। दोस्तों साउथ के स्टार नानी की फिल्म दसरा को रिलीज हुए 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। दोस्तों 30 मार्च को रिलीज हुई दसरा ने सोमवार को दुनिया भर में 84.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। वहीं फिल्म का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 61.91 करोड़ रुपए के करीब पहुँच गया है। दोस्तों वहीं फिल्म भोला का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 49 करोड़ का हो गया है, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 60 करोड़ रुपए हो गया है। और दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने 15.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।